नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिला न्यायालय की विशेष न्यायालय ने आज रिश्वतखोर पटवारी को कारावास की सजा सुनाई है। पटवारी को 3 वर्ष पूर्व रीवा लोकायुक्त की टीम ने जमीन नामांतरण के नाम पर रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। लोकायुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने पटवारी को यह सजा सुनाई है। दरअसल न्यायालय के इस फैसले के संबंध में यह जानकारी मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह ने दी है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि हनुमना के ग्राम देवरा हल्का पटवारी राजेश शुक्ला को रीवा लोकायुक्त टीम ने 3 वर्ष पूर्व फरियादी राम बहोर तिवारी की शिकायत पर रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। बताया गया कि पटवारी ने 2 अलग अलग जमीनों का नामांतरण करने के नाम पर 7,000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग की थी। मामले में फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त ने पटवारी को उसी के घर में 6500 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। इसी मामले में आज विशेष न्यायालय के न्यायाधीश गिरीश दीक्षित द्वारा धारा 7 के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा व 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं धारा 13 में 4 वर्ष की सजा व 2,000 के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया गया है। पटवारी राजेश शुक्ला थे, पटवारी हल्का देवरा सर्किल हनुमना। तो इनके पास राम बहोर तिवारी, उसने 2 जमीनें खरीदी थी, 5 डिसमिल की जमीन। तो उन जमीनों की रजिस्ट्री लेकर वो नामांतरण के संबंध में पटवारी से मिला था। तो पटवारी से जब मिला तो पटवारी ने दोनों रजिस्ट्रियों के नामांतरण के लिए 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की। तो फिर राम भोर तिवारी ने आकर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत दी। शिकायत का सत्यापन कराया गया, सत्यापन में डिमांड सही पाई गई। दिनांक 11/8/2017 को ट्रैप आयोजित किया गया। जब ट्रैप टीम हनुमना गई तो वहाँ पटवारी अपने आवास पर नहीं मिले, उन्होंने मिलने के लिए टाल मटोल किया। तो उस दिन ट्रैप टीम वापस आ गई। फिर 16 तारीख को पुनः ट्रैप टीम गई, तब आरोपी पटवारी मिले और उन्होंने अपने घर में तख्त में बैठ कर शिकायतकर्ता से 6500 रुपये नकद लिए। उसी समय उनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। आज माननीय विचारण न्यायालय श्री विशेष न्यायालय गिरीश दीक्षित ने जो अभियोजन का मामला था उसको प्रमाणित माना और आरोपी को धारा 7 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 2,000 रुपये अर्थदंड और धारा 13 के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड देते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया।